आप लोग ब्लॉग्स देख रहे होंगे तो सबसे पहले लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। आज हम जाने वाले हैं आउटलेट सिटी मेट्सिंगन में, जो कि हमारी पुरानी सिटी भी थी, जहाँ हमने खूब उधम करी और ये बहुत ही क्लोज टू आवर हार्ट है। तो हमने सोचा कि अपने पेरेंट्स को भी लेके चलें, और हमेशा ही जाते हैं हम वहाँ पर, तो लेके चलते हैं वहाँ पर। पेरेंट्स को देखते हैं कैसा लगता है। वो सिटी मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आपकी जर्मनी में कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, लाइक इस तरीके की शॉपिंग सिटी या नॉर्मल जो इसमें नेचर होता है वैसा, वो कमेंट करना। और ये देखो ब्लॉग। यूनिक में ना स्प्रिंग अभी तक आया नहीं, पर यहाँ पर पूरे जितने भी पेड़ वगैरह हैं वो सारे कलरफुल हो गए। ऑफिस जाती थी मैं दिन भर इधर उधर करता रहता और हम लोग पूरे गर्मी के टाइम पे रहे यहाँ 6-7 महीने। गर्मियों में बढ़िया, तो बढ़िया पढ़ाई में चुपका रहता होगा। हाँ, पढ़ लेता था और बढ़िया आराम से घूमता रहता था दिन भर इधर उधर। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? कुछ तो चल रहा है इवेंट, मतलब अभी तो हम मेन सिटी में भी नहीं गए और इवेंट चल रहा है यहाँ पर। वहाँ पर भी बैलून्स दिख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है यार, बहुत खुशी हो रही है। मैं जिस कंपनी में यहाँ काम करती थी उसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर, और सब यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं। यहाँ रेस्टोरेंट है एक, जिसमें हम लोग बहुत खाना खाते थे। जैसे देख रही है, जैसे तारा दिखा रही है सब। देखो तारा, तुझे कुछ भी नहीं पता बेटे, कि मैं कैमरा चालू करती हूँ ये पहले हंसने लगती। पता है क्या तारा, ये कैमरा। ब्रेकफास्ट अड्डा था, और ये यहाँ का रात हाउस है, मतलब नगर पालिका ऑफिस। और ये यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। एंड वी आर इन कौन सी जगह पर है? मेट्सिंगन। मैंने बस दीपक से बोला ही था कि जगह में आज इतनी भीड़ नहीं है सैटरडे के हिसाब से, और देखो कितनी भीड़। मेरे को ये अपने जो शूज़ हैं इसका रिटायरमेंट का समय आ गया, और अब मैं लूँगी एडिडास से सुपरस्टार के शूज़। तो एडिडास यही है तो सबसे पहले ले लेती हूँ। परफेक्ट इसको रिप्लेस हो गया ये ब्लैक स्ट्रिप्स से और वाइट स्ट्रिप्स। सबके लिए तो मामा ने कुछ भी नहीं लिया। वैसे वो अच्छा था ना, एडिडास का सूट है ना, पर कलर अच्छा नहीं लग रहा है। का बैग दिला दे मम्मी, ले लोगे? ना भैया तक का ले लोगी कुछ चीज? लिमिट तो मेरी बहुत है, लेकिन मैं लेना नहीं चाहती। जलवा है हमारा। अरे मतलब कितने मन से ले लोगी? ज्यादा से ज्यादा 5000 का। मॉडर्न आर्किटेक्चर है यहाँ पर, और महंगे ब्रांड्स। कहाँ गए तारा, कहाँ गए? ऐसा लग रहा है तारा भी इस जगह को जानती है। बायन में होते हैं तो सिर्फ BMW दिखती है। यहाँ पर मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ यहाँ पर लगा रखी हैं। पर ना ह्यूगो बॉस का क्वार्टर है, और मतलब ह्यूगो बॉस का इतना इम्पैक्ट है कि बॉस लिखी हुई कॉफ़ी भी यहाँ पर सर्व करेंगे ये लोग। हमारा ये अड्डा हुआ करता था, याद है? ये अड्डा हुआ करता था अपना। तारा बेटा, तू भूख का फ़ायदा उठा रही है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ पर रख रखी है न्यू जो भी इनकी सीरीज आई है, आई थिंक E क्लास। अब ये अंदर से इतनी सुंदर गाड़ी है, लग्जरी। पापा तो आ ही नहीं रहे यहाँ पर। आ जाओ पापा। अब चलो इसका प्राइस देख लेते हैं। वो तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के, इसमें प्राइस ही नहीं लिखा। ये इतनी महंगी है क्या दीपक? इसमें प्राइस ही नहीं लिखा। तारा बहुत हैप्पी हो गई है क्योंकि यहाँ कलरफुल दिख रहा है। चॉकलेट की दुकान है। उदास हो गए, थोड़ा पेट में पड़ गया। हम अपने लेवल पे शॉपिंग ही नहीं कर पा रहे। क्यों क्या हुई? क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और तारा को भी थोड़े देर में देखना पड़ा। पर ठीक है, थोड़ी चॉकलेट्स खरीदी हैं, और एडिडास से मेरे को शूज़ लेने थे जो मैंने बताया वो लिया है। और भी कुछ लेना है तुम्हारे लिए? हाँ, दीपक के लिए परफ्यूम लेना है, वो लेना है। फिर रोता रहेगा, अरे सुरभि ले नहीं पाया, ले लो इसलिए। पकड़ना मैं इसको। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक्सप्रेशन देखो नाले का पानी भी कितना साफ, कितना साफ है। रात में तो और अच्छा लगने लगता है यहाँ। मम्मी को एक लड़का और उनके पापा जो है वो कुर्ता पजामा पहने दिखे तो ऑफकोर्स अलग ही वो है, विजिबल हो जाता है। तो सबने नोटिस करा एक बार ऊपर से नीचे स्कैन किया, देखो कुर्ता पजामा पहन के। ये मेरे पापा भी बोलते थे ना दीपक कि मैं एक दिन कुर्ता पजामा पहन के निकलूंगा, क्योंकि वहाँ वो ही पहनते हैं कुर्ता पजामा। परफ्यूम की शॉप देखो, इतनी टाइम से घूम रहे हैं। तारा को भूख लगी, उसने आइसक्रीम खा ली मम्मी की, मम्मी के लिए लाए थे उसके लिए खा ली, और फिर भी चुपचाप बैठी है। देख और पीछे यूट्यूब। नेक्स्ट डे बेबी शॉवर और जेंडर रिवील पार्टी में जा रहे हैं एक फ्रेंड की। मैंने पिंक पहन के ना चाहते हुए भी ब्लू पहन लिया, क्योंकि तुम और तारा ने भी सही पहना ब्लू पैंट। ब्लू हम तीनों ने ब्लू तो पहना ही है कुछ ना कुछ। देखो गाड़ी में क्या रखा हुआ है। दीपक क्या करते हो तुम, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? घर में मनाई है तो पैक मारते हो गाड़ी में बैठ के, नीचे पार्किंग में बैठ के दीपक दो पौड़े मार रहा है और आ रहा है ऐसे करके, नमक निचोड़ के। नमक ये पड़ी रहती है गाड़ी में, ये आज तक खुली नहीं है। इसमें पानी डलता जा रहा है, पता है आपको खत्म होती ये धमाका है ये ओल्ड मॉन्क। एक्चुअली दीपक ने अपने फ्रेंड ऑफिस में एक पार्टी थी कलीग्स को, तो उनको टेस्ट कराने के लिए लेके गया, पर उस दिन माहौल नहीं बन पाया रम का। उस दिन पार्किंग में खड़ी रही गाड़ी, ऊपर जा ही नहीं पाया, फिर ऐसे ही आ गया। एंड दे आर मोर इनटू लाइक बियर। नहीं वो पी लेते क्या अगर लेके चले जाते? वो सब बोल रहे थे उन्हें टेस्ट करनी थी, तो एक दिन ऑफिस में चिटका देना। हाँ मैं एक और बात बता दे रही हूँ, दीपक के ऑफिस में लोग एक तो फ्रिज, एक दीपक एक दिन डे इन माई लाइफ बताएगा, उसमें फ्रिज में बियर रहती है, और इसके ऑफिस के बहुत सारे लोग रोज शाम को एक बियर पीते हैं ना, कई दोपहर में भी पी लेते हैं नॉर्मल बियर। भैया राम राम, कहाँ जा रहे हैं? एक और बेबी आने या आने वाली है या आने वाला है, उसके लिए फिर वो आपसे भी छोटा छोटी हो जाए। मुझे लगा पता नहीं क्या नहीं ला पाया, दैट्स ओके। वॉच तो तारा आपसे भी एक छोटी बेबी होगी, फिर आप बोलोगे ओह इन्हीं छोटी बेबी, इन्हीं छोटी बेबी। हाँ तो हम वहीं जा रहे हैं। हाँ ठीक है। ये देखो भाई, अभी इतनी बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, अब मौसम देख लो इधर क्या चल रहा है। गर्मियों में ये स्ट्रॉबेरी पिकिंग बहुत होती है, तो वही यहाँ पर चल रहा है। कर ले थोड़ा, छोड़ के जाओ मुझे। और हम पहुंच चुके हैं। तारा का है, तारा का है, तारा का है। तारा को आजकल ये वाला गेम बहुत पसंद। तारा का है, ओ तारा तो ये है। Now you have to say something. हाँ, बच्चे को blessing। Thank you so much. Thank you so much. कुछ भी बोल सकते बेबी को। उनको दिखाओ, ये सबसे छोटी बेबी दिखाओ। पापा खोल के तेरे बेबी शादी आए थे हम, और तुम हमारे बेबी शादी आए हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसका एक बार कनाल दिखाओ सबको। तारा एक बेबी देखो, एक और बेबी आने वाली है या आने वाला है, वो अभी हमें पता चलेगा शिविका से। बॉय टीम में और ये गर्ल टीम में। तारा क्या कर रहे हो? ये दोनों हापुड़ के, ये दोनों हापुड़ के भाई हैं। ना हमें, और ये टास्क है दीपक की भरने की। मेरे ऊपर अभी खुद ने ले रखा था। हाँ, क्या है ये? लिखो लिखो, काट रहेगी तुम और वो उधर बलून फोड़ो, ठीक है? गर्ल गैंग ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी थी नहीं। पहले इनसे ये पूछते हैं व्हाट दे आर विशिंग फॉर। बेबी, ये देखो हेल्दी बेबी, हेल्दी बेबी सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्दी बेबी है। और फिर एक गर्ल बेबी का, इसके अंदर से पता चलेगा क्या ब्लू या पिंक। अब हम दोनों के अलावा सब किसी और को पता चलेगा, है ना? नहीं, अथर्व को पता है? नहीं, कुछ कुछ को पता है जिन्होंने केक बेक किया है। 3 4 प्रेडिक्शन सही था, मैंने बताया था तुम्हें। हाँ, तारा ने भी बताया था। पता मैंने सही प्रेडिक्ट किया था, सुबह मैंने सुरभि को बोल दिया था। तारा भी ब्लू है। मैंने लास्ट में रिकॉर्डिंग हमने एकदम सोच के रखा हुआ था, ताशी नहीं, तिशा नाम सोचा हुआ था हमने। और अब लड़के का भी हम नहीं बताएंगे, फिर हमें सोचना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, हमने डॉक्टर से पूछा, नहीं पता चल पाया। उसने कहा नेक्स्ट टाइम पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम उसे लिख के लिया। उसके बाद हमने प्लान किया कि हम स्पेशल जगह जाके खोलेंगे। तो हमने को पहली बार कार लाइसेंस आने के बाद आईजी गए, वहाँ खोला, ये पढ़े, फिर मैंने पक्का यही है क्योंकि माय सिम्टम्स वर टोटली ऑपोजिट। जो मुझे जैसे होते ना 6 महीने में हम बन जाते बच्चे के साथ, लिटरली ऐसे जैसे दीवार ऐसे खड़े होकर प्रेयर किए कि मुझे सिर्फ ब्रदर चाहिए। तारा के लिए गिफ्ट है, तारा के लिए गिफ्ट है बिल्कुल। और जब हमारा दूसरा किड आएगा तब मैं किस्सा सुनाऊंगा कि तारा के नाम से कैसे जुड़ा हुआ। ओके, श्योर श्योर, पक्का, ओके पक्का। छोटा बच्चा ना यहाँ तो सबको बहुत प्यारा है। लास्ट टाइम मेरी प्लेसमेंट की बेटी पैदा हुई, हम लोग सुबह इंडिया गए हुए थे। जैसे मतलब बेटी जब पैदा हुई हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। हम लोग ऐसे आ रहे थे तो हमने सोचा चलो यार सनफ्लावर के वो, लेकिन सन तो उस तरफ है, ये सबके मुंह तो इस तरफ है। ये क्या ऑयल है क्या? वियर्ड डिफरेंट, गेट लुक रेडन। अच्छा, क्या आप 50 सेंट का एक तोड़ सकते हो? ओह वाओ, उसमें डाल दो। वी आर अलाउड टू बी प्लक्ड। उसमें कॉइन डालना 50 सेंट और तोड़ दो। पहले हम लोग ऐसे खेत ढूंढते थे सनफ्लावर के, स्ट्रॉबेरीज के। ये देखो वहाँ पर सर्कस चल रहा है। सर्कस तो यहाँ भी चल रहा है। देखो सर्कस जो करेगा शौक से। कहाँ गया इसका एक से? मम्मी पापा घर चलो चुपचाप, समझ नहीं आता इतनी देर तक मुझे मुझे आपको चाय पीते हुए देखना है। होप यू इंजॉयड दिस व्लॉग। अगर इंजॉय किया हो तो वही मैं बोलूँगी आपको फिर से कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हम लोग इंडिया भी जाने वाले हैं। तो अब इंडिया के ट्रिप के भी बहुत सारे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे और बहुत सारे लाइफ अपडेट्स जो हैं वो भी देखने मिलेंगे। तो अगर आपको थोड़े बहुत भी अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो प्लीज़